शुक्रवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर ऑटो स्टैंड तथा रेलवे द्वारा अधिकृत मोटरसाइकिल स्टैंड का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शिकायत के अनुसार रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से ऑटो स्टैंड संचालित है। निरीक्षण के दौरान ऑटो स्टैंड द्वारा कोई भी चीज नहीं पाई गई। यहाँ पर रेलवे का अधिकृत मोटरसाइकिल स्टैंड ठेकेदार को चलाकर स्टैंड के बारे में जानकारी ली गई। ठेकेदार द्वारा कहा गया कि इस स्टैंड का 2025 तक कागज वैध है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान नो पार्किंग खड़ी दो प्राइवेट बसों को पकड़कर सीज किया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग, नगर निगम और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई अवैध रूप से कहीं पर गाड़ी पार्क करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, परिवर्तन प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, तुम्हें पहले भी बोला गया था, फिर तुमने शुरू कर दिया है मेरे हाथ। अच्छा, और आप लोग नाले पे नहीं जा रहे हो? अरुण अरुण, हमने बताया नहीं हो गया, यहाँ पे सुनो पीछे लगवाने के लिए सब आगे आए हैं। यही तुमसे पैसा लेते हैं तो क्या रेलवे वालों को देते हो क्या? कुछ रेलवे वालों को हम नहीं देते, वो लोग जाना कुछ ना जाना। कौन है सब्जी गुप्ता, कहाँ रहते हो आपने? रेलवे वालों को काम पता बताओ, कहाँ से लिखो यार, उनसे बात करवा दो। काम तो नहीं करोगे ना, आते क्या होगा? कोई भी एक्शन नाम बताया वहाँ जो बैठे हैं लोग गेट पर, वहाँ सब लोग वो लोग भी पर्ची काटते हैं। कहाँ पे? गेट पर। चलिए, आप पर्ची काटते हैं, होगी तो काट। पहले तो हम डाला, पहले ये इधर डाल, आपके पास ये फालतू कैसे खड़े हैं? चलो ऐसे आपका क्या नाम? दिलीप यादव। दिलीप यादव, ये पर्ची आपसे मिली है? आप पर्ची काटते हो? तो काटते हो, कब से काट रहे हो? अच्छा, किसके आदेश से काट रहे हो? कौन ठेकेदार है? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता कहाँ रहते हैं? संदीप गुप्ता अंदर रहते हैं, होंगे बैठे होंगे। चलिए चलो, आइए आ जाओ। चलिए सर, उनका नंबर भी देते हैं, चलते हुए वीडियो बना रहे हैं, पूछेंगे उस पर। ये वाला भी क्या है? रेलवे ने ऑथराइज किया इसको काटने के लिए? ये तो मालिक जाने, कौन है मालिक आपका? संदीप गुप्ता। दीक्षित लिखा है?
उसमें कमलेश दीक्षित का नाम लिखा है, आप नाम कुछ और बता रहे हैं। नहीं बता रहे मैडम, नहीं गलत की बात नहीं, उसमें तो लिखा नाम कुछ और है ना, ठेकेदार का नाम कुछ और लिखा है, आप गलत दूसरा नाम बता रहे हैं। कहाँ बैठते हैं वो ठेकेदार? कहाँ? तुम्हारा क्या नाम है? गोपाल दास। नंबर तुम्हारा लिखो भाई, इनका चौकी जा सर। इससे पहले क्या कहते थे? इसके पहले मैं ठेला चला। कितनी तनख्वाह मिलती है? 250। 250 रुपया पर डे मिलती है जी। तो आपकी कितनी ईयर्स कब से कब तक है आपका पैसा? अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये 6 जून तक, और जो दूसरा मेरा हुआ है अपना 1 जून 22 तक ये वैलिड है जो अभी चल रहा है जी। अच्छा, और 2 जून से लेके 1 जून 2025 तक का वैलिड दूसरा वाला हुआ है। अच्छा, उसमें क्या क्या गाड़ियों का स्कैन करना है? क्या शर्त है? हाँ, जैसे अगर कोई आता है तो हमारे जो स्टाफ होते हैं गाड़ियों को अंदर बनाते गाड़ियाँ बंद कर लेंगे, क्योंकि ये सर्कुलेटिंग एरिया में वैसे भी गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं। तो जो हमारे स्टाफ होते हैं उसकी या तो स्लिप काट के बाहर कर अंदर कर देंगे, या तो फिर उसको सर्कुलेटिंग एरिया में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जैसे ये है ये तो ठीक है इनक्लोजर के अंदर है, इसकी जो बाहर खड़ी हुई हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, उनसे कौन पैसा लेगा? इनसे हम लोग गाड़ी की पर्ची कटवा के गाड़ी हम लोग अंदर मंगाते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे टेम्पो वाले बाहर खड़े हुए हैं उसको पकड़ा सर जी, तुरंत जाने वाले को वो सर्कुलेशन एरिया में भी सामने पकड़ा। उनके टेम्पो वाले तुमसे पैसे लेते हैं ना? जी सर। कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपया। कितने समय का? 1 मिनट। 30 रुपया कितने कितने दिन का? जैसे सर हम लोग आते हैं तो जैसे पसेंजर चले गए, दिन भर भी कटा दी, 2 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, मतलब हर चक्कर के आपके 30 रुपया लगे, 1 दिन का 30 रुपया लगता है, 1 दिन का 30 रुपया। आपके जो आपका ये मिला है आपको टेंडर, उसमें गाड़ी का वर्ग भी तो होगा, कैटेगरीज भी तो होंगी। हाँ। कौन कौन सी कैटेगरी है? 4 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स का पार्किंग हमारा बगल वाला है। क्या 3 व्हीलर भी अंदर लोग पार्क करते हैं? नहीं, वो मतलब आते हैं अगर किसी को रिसीव करने पिक एंड ड्रॉप के लिए आते हैं तो वो लोग कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, अगर मान लीजिए बाहर अगर किसी को पर्ची काट। भाई जो भी मेरा एक सीधा सवाल है, जो भी रुकेगा वो पार्किंग में रुकेगा? बिल्कुल। अगर बाहर वाले से आप पैसा ले रहे हो तो वो गलत है। बाहर वाले से बाहर अगर गाड़ी को काफ़ी टाइम तक लगाएगा तो उसको काफ़ी टाइम तक लगाना ये सर्कुलेटिंग एरिया में अलाउड ही नहीं है। काफ़ी टाइम तक तो पार्किंग में ही लगाएगा गाड़ी वाले, इसका रूल ये है कि काफ़ी टाइम पार्किंग में ही लगेगा, पार्किंग में ही काफ़ी टाइम लग सकती है। क्या है कि अब वेट करेंगे पैसेंजर, तो हम लोग वहाँ से गाड़ियों को हटवाते हैं, ये गलत है, आप इन लोगों के लिए अलाउ मत कीजिए। बिल्कुल, इन लोगों को अलाउ करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी कि आप गलत तरीके से पैसा वसूल रहे हैं इनसे। वहाँ पे कलेक्शन, वो कलेक्शन तो इसके लिए आपको ठेका मिला है, उसका नहीं मिला है, ये सब काम आप करेंगे। ये शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से कोई ऑटो स्टैंड संचालित हो रहा है, मौके पर आके चेक किया गया तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड जैसी कोई चीज़ नहीं पाई गई। यहाँ पे रेलवे का एक अधिकृत स्टैंड है जिसमें उनके ठेकेदार हैं, उनको बुलाया गया, उन्होंने बताया कि उनके पास वैध कागज़ हैं, वैध ठेका उनका मिला हुआ है, तो इनसे कागज़ मंगवा के उनके लिए चेक किया जा रहा है। इनका ठेका ये बता रहे हैं कि 2025 तक वैध है, और जो प्रेजेंटली चल रहा है वो भी 22 तक है। 2 प्राइवेट बसें जो है ट्रैफिक द्वारा पकड़ी गई हैं, वो नो पार्किंग में यहाँ पर खड़ी हुई थी, इसलिए उनके लिए पकड़ा गया है, परंतु वहाँ पर कोई अवैध संचालन जैसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। परिवहन विभाग द्वारा और नगर निगम द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा और सिविल पुलिस द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई अवैध रूप से कहीं पे भी गाड़ी पार्क करेगा जहां पर लीगलाइज्ड स्टैंड नहीं है, जहां से हम स्टैंड के नाम पे हमने ठेका नहीं दिया है, टैक्स वसूल नहीं करती है कोई भी सरकारी एजेंसी, तो उसको अवैध ही माना जाएगा। तो ऐसे अवैध स्टैंड पर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, और कोई भी अवैध स्टैंड गोरखपुर में किसी भी प्रकार का बिल्कुल संचालित नहीं होगा।